जो कैसे आप सभी, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य करेंगे। चलिए आज हम करेंगे एससीईआरटी द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 29/1/2022, क्रमांक संख्या है 11। आज की वर्कशीट हमारी रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की है, जो क्लास 4 की है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। ये वीक 2 की है, थीम है फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे टीचर का नाम। तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाए वर्कशीट शुरू करते हैं। क्या दिया गया है वर्कशीट में? गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल। लेट्स रीड अ स्टोरी टुडे। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, होप आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम एक कहानी पढ़ते हैं। क्या दिया गया है कहानी में देख लेते हैं। वन डे द फ्रूट्स सिटिंग इन द बास्केट इन द किचन स्टार्टेड अ डिस्कशन। एक दिन फ्रूट्स सारे कहाँ बैठे हुए थे? बास्केट, किचन के बास्केट में बैठकर डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे देखिए बैठे हुए हैं सारे फ्रूट्स जितने भी हैं। आई एम अ मोस्ट डिलिशियस फ्रूट इन द वर्ल्ड, लुक हाउ रेड आई एम। मैं सबसे डिलिशियस फल हूँ सबसे बढ़िया फल हूँ दुनिया का। मैं कितना लाल हूँ, देखो मैं कितना लाल हूँ। नो आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स, लुक आई हैव द परफेक्ट बॉडी। यहाँ पे देखिए ये पेयर्स है, वो कह रही है नहीं मैं सबसे इम्पॉर्टेंट हूँ। मोस्ट मतलब मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, मुझे देखो मेरी कितनी परफेक्ट बॉडी है। ओ प्लीज आई एम मोस्ट डिलिशियस बिकॉज आई एम अ स्वीट एंड सॉर। ओ प्लीज मैं सबसे ज़्यादा डिलिशियस हूँ बिकॉज मैं स्वीट भी हूँ, मैं मीठा, और सॉर मीन्स खट्टा बच्चों, मैं मीठा और खट्टा भी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिलिशियस हूँ। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इनफ आई एम येलो एंड द मोस्ट डिलिशियस, यू कैन ईट मी इन ऑल सीजन, सो आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स। इनफ बस करो, मैं पीला हूँ और मैं मोस्ट सबसे ज़्यादा डिलिशियस हूँ, और आप मुझे हर सीज़न में खा सकते हो, और तुम मुझे हर सीज़न में खा सकते हो। आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट, मैं सबसे महत्वपूर्ण फल हूँ। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। दे कैप्ट डिस्कसिंग टिल नाउ नॉन टिल नून। वो डिस्कस ही कर रहे थे व्हेन रिचा एंटर्ड द किचन, ऑल द फ्रूट्स वर एगर टू नो विच फ्रूट शी वुड यूज टू मेक द फ्रूट सैलेड। सारे फ्रूट्स डिस्कस कर ही रहे थे तब तक रिचा किचन में एंटर की, और उसने सारे फ्रूट्स इसी सोच में थे कि रिचा कौन से फ्रूट से फ्रूट सैलेड बनाएगी। रिचा ने क्या किया, उसने She would to make a fruit salad. वो किस फ्रूट से सैलड बनाएगी? She took all the fruits, cut them into pieces and put them into a bowl. यहाँ पे उसने सारे फ्रूट्स ले लिए और उनको छोटे छोटे पीसेस में काट दिए और एक बोल में रख दिए। She made a delicious multicolored and the nutrition fruit salad. उसने एकदम डिलिशियस और मल्टी कलर्ड में फ्रूट सैलड बनाया, जो न्यूट्रिशन से भरपूर फ्रूट सैलड बनाया उसने। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। विच इज योर फेवरेट फ्रूट, व्हाई डू यू लाइक दिस पर्टिकुलर फ्रूट। आपको कौन सा फ्रूट पसंद है और क्यों पसंद है? चलिए लिखते हैं। माय फेवरेट फ्रूट इज मैंगो। माय फेवरेट फ्रूट
इज मैंगो। बच्चों आपका जो भी फेवरेट फ्रूट हो वो आप लिख दीजिएगा एंड फिर यहां पे आई लाइक मैंगो। Because it is juicy. Juicy, क्योंकि वो जूस से भरा होता है, juicy. ठीक, चलिए बच्चों आगे बढ़ते। Which fruit would you like to include इन योर फ्रूट सैलड? आप कौन कौन से फ्रूट अपने फ्रूट सैलड में डालना पसंद करेंगे? जैसे मैं डालूंगी बनाना। आपको जो फ्रूट पसंद हो वो लिख लीजिए, एप्पल, कीवी, यहां पे कीवी, गुआवा, यहां पे आगे देखिए क्या लिखा है, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक एंड राइट देयर इज नेम। यहां पे आपको ड्रॉ करना है बच्चों, इनके नाम भी लिखने हैं। तो जैसे यहां पे बनाना है तो इस तरह से लंबा बनाना बना लीजिए, इसे आपको कलर करके इसका नाम लिखना है, और एप्पल इस तरह से एप्पल बना लीजिए, कीवी, कीवी सर्कल होती है, गुआवा बना के आपको इनके नाम लिखने हैं, इन्हें कलर भी करना है, तो अच्छे से ड्रॉ करिएगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। नोट फॉर टीचर, द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड। अभिभावकों के लिए सुझाव कि बच्चों के साथ फलों और सब्जियों की पौष्टिकता के बारे में चर्चा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी बाहर निकले बच्चों 2 गज की दूरी बना के रखे, कोरोना को हराना है तो 2 गज दूरी बनाना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वर्कशीट आपको पसंद आई, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी हर वीडियो की। अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, बाय बाय।